मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की अपनी क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। जब कोई संविधान बनाया जाता है तो उस संविधान की अपनी एक प्रस्तावना होती है। उस प्रस्तावना में उस पूरे संविधान का जिस्ट यानी सार होता है, जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि उस पूरे संविधान में क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं। एक तरह से उसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, या उसको हम पूरे संविधान की कुंजी भी कह सकते हैं, जिससे पूरे संविधान के लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। और एक तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि जिन्होंने संविधान को बनाया है वो उस संविधान में क्या डालना चाहते थे और उस देश के लिए उनकी क्या कल्पना थी। ये सारी चीज़ें हमें किसी भी संविधान की प्रस्तावना से पता चलती हैं। यही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लासेस में संविधान कैसे बना था इसके बारे में विस्तार से पढ़ा था। तो आज हम शुरू करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या बताती है और उसके आधार पर भारतीय संविधान कैसा है। भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। निर्मित संविधान एक निश्चित समय में इसको लिखा गया, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये बन करके तैयार हुआ था, जिसे समिति प्रारूप समिति के माध्यम से बनाया गया था। ये जो संविधान की प्रस्तावना है ये इसमें कुछ संशोधन हुए 42वें संवैधानिक संशोधन से 1976 में, और कुछ नए शब्दों को इसमें जोड़ा गया। हम लोग उन जोड़े गए नए शब्दों के साथ अपने इस संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह संविधान की प्रस्तावना है क्या, कहती क्या है। तो इसके शब्दों को हम यथावत देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जो शब्द हैं इसके प्रस्तावना के वो कुछ इस तरह से हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। अब ये जो दो शब्द हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़े गए हैं। मूल संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों शब्द नहीं थे, लेकिन बाद में इन्हें जोड़ दिया गया। इसके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो मूल पाठ ये है, जिसमें दो शब्द तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए बाद में, और एक शब्द था अखंडता, जिसका भी पाठ अभी हम लोगों ने किया था। तो ये तीन शब्द 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ, संवैधानिक संशोधन, उसके माध्यम से जोड़े गए थे। संविधान की जो ये प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का जो भाव है पूरा, वो भाव 13 दिसंबर 1949 को जब प्रथम अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का, तो उसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने रखा था उसी का एक तरह से ये भाव है, और उसी के आधार पर इस पूरे प्रस्तावना को भी तैयार किया गया और उसी के आधार पर हमारा संविधान एक तरह से बना है। कुल मिलाकर के जो संविधान की प्रस्तावना में मुख्य बातें हमारे सामने आती हैं, हम उनका एक एक करके अभी विश्लेषण करते हैं, विवेचन करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, सबसे पहली बात हमारे सामने आती है, हम भारत के लोग। हमने पिछली क्लास में भी अपने इस बात को देखा था कि क्या संविधान सभा
सारे भारत का, सारी भारत की जनता का, जनमत का प्रतिनिधित्व करती है। इस पर प्रश्न भी उठे थे, आलोचनाएं भी आई थी, लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा था पिछली क्लास में कि हम भारत के लोग शब्द बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान सभा जितनी भी विधानसभाएं तात्कालिक समय में थी उन सब के सदस्यों के आधार पर ही बनाई गई थी, वहीं से लिए गए थे सदस्य चुने हुए, और इस तरह से एक संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो हम भारत के लोग एक तरह से ये संपूर्ण भारत को प्रतिनिधित्व देते हुए कही गई बात है, और संविधान हमने ही बनाया है और हमारे लिए ही ये अंगीकृत है, अधिनियमित है और आत्मात्मित है। तो इस तरह से ये तीन जो बातें इससे हमारे सामने स्पष्ट होती हैं, इसमें पहली बात जो आती है वो आती है कि संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है, यानी हम जितनी भी भारतीय जनता है ये संप्रभु है पूरी तरह से। दूसरी बात जो इसमें आती है वो ये है कि संविधान सभा के सदस्य भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं, और तीसरी बात जो इसके माध्यम से स्पष्ट होती है वो है कि यह संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है, यानी उसी के माध्यम से बनाया गया है, भारतीय जनता जो चाहती थी और भारतीय जनता ने इसे संविधान को समर्पित किया है, तो इस तरह से राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इस तरह से जो संविधान का मूल भाव है वो भाव ये है कि इसमें किसी एक व्यक्ति को, किसी एक शासक को संप्रभु नहीं बनाया गया, बल्कि भारतीय जनता इसमें संप्रभु है। डॉक्टर अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने इसके बारे में कहा था कि मैं समझता हूँ कि प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छानुसार यह प्रकट कर देती है कि संविधान का आधार जनता है और इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुए हैं। हम भारत के लोग एक अंतर्निहित अर्थ के रूप में यह कहता है कि यह संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित है, इसीलिए संघ का कोई राज्य या समूह संविधान को ना तो समाप्त कर सकता है ना ही इस संविधान से निर्मित संघ से वो अलग हो सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने इसको ग्रहण किया, हम ही ने बनाया और हम ही ने इसे स्वीकृत किया है और हम इससे अलग नहीं हो सकते, यानी कोई भी राज्य अगर चाहे कि वो इसमें कोई परिवर्तन कर दे, इसे समाप्त कर दे या संघ से अलग हो जाए तो ये संभव नहीं है। ये बात हमारी प्रस्तावना में पहले ही शुरुआत में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया गया। अब लेते हैं हम इसकी दूसरी बात को। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आता है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या गणतंत्र। हम लोग 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हम लोकतांत्रिक हैं, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, और जैसा हमने पहले अभी बात की कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दो शब्द जो है ये हम लोगों ने 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन से इसमें जोड़े हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य की। इसका अर्थ यह है कि 26 जनवरी 1950 को जब यह संविधान लागू होता है तब से भारत की अधिराज्य की जो स्थिति थी, अभी अधिराज्य का क्या अर्थ है? अधिराज्य का अर्थ है कि हम स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटेन के उपनिवेशिक काल में एक राज्य के तौर पर, और जब हमारा संविधान लागू हो गया तो अब हमारा शासन था, हमारी जनता का शासन था, और उस आधार पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत हो गया। तो इस तरह से हम उस अधिराज्य से स्वतंत्र हो गए, उस ब्रिटिश शासन से हम मुक्त हो गए और अब भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन गया, यानी हम आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से पूर्णतया स्वतंत्र थे, आंतरिक तौर पर अपनी नीतियां बनाने के लिए और बाहरी तौर पर किसी भी संधि या समझौते को करने के लिए या नहीं करने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए थे। तो इस तरह से लोकतांत्रिक जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द है वो हमें ये ध्वनि देता है, ये अर्थ देता है। इसके बाद हम आते हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्दों पर। ये दोनों शब्द बाद में जुड़े हैं, मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे पूरे संविधान में इसकी
भावना कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे संविधान में इन्हीं भावों को प्रकट किया गया है, लेकिन प्रस्तावना में इन शब्दों को प्रयोग में नहीं लाया गया था, जिसे बाद में जोड़ दिया गया। समाजवादी का अर्थ है कि हम एक समतामूलक व्यवस्था को लाना चाहते हैं, इस बात को इसमें इंगित किया गया है। और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारे पूरे संविधान में शामिल की गई है, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और हर व्यक्ति को बराबरी के स्तर पर आने का पूरी तरह से अधिकार है। दूसरा शब्द जो हमने काम में लिया वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। सभी नागरिक धर्म के आधार पर समान है और इस आधार पर मौलिक अधिकारों में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो इस तरह से जो ये दो शब्द जोड़े गए, ये मूल संविधान की भावना के अनुरूप है। हालांकि समाजवाद जो शब्द है, ये शब्द हमने भारतीय मॉडल के हिसाब से लिया है, इसे हमने साम्यवादी रूस या चीन के मॉडल से हासिल नहीं किया है। अब एक और शब्द हमने इसमें काम में लिया और वो शब्द है भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य जिसका अर्थ है कि हमारे यहाँ जो शासक है वो वंश परंपरागत नहीं है, हमने उन्हें चुना है। हम अगर ब्रिटेन की बात करें, जिसकी अधिसत्ता से हम लोग स्वतंत्र हुए थे, हालांकि हमने संसदीय मॉडल को अपनाया है वहाँ के, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वहाँ के ब्रिटिश राजतंत्र को नहीं अपनाया, हमने गणतंत्र को अपनाया। और गणतंत्र का अर्थ क्या है कि हमारे जो शासक हैं वो परंपरागत तरीके से नहीं आते, वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से जनता ही चुनती है, क्योंकि पहले हम लोग यानी जनता हम विधायकों को चुनते हैं या सांसदों को चुनते हैं और उसके बाद में उनके माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो वो एक चुने हुए राष्ट्राध्यक्ष है, ना कि वंश परंपरागत राष्ट्राध्यक्ष है। और इसीलिए इस पद पर कोई भी व्यक्ति निश्चित योग्यता प्राप्त करने के बाद में पहुंच सकता है। संविधान सभा ने 16 मई 1949 को ये माना था कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। इस आधार पर बहुत सारी आलोचनाएं हुई कि यदि हम राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहते हैं तो हम ब्रिटिश सत्ता से बाहर नहीं है, या फिर हम गणतंत्र कैसे हुए, क्योंकि हमने उसकी अधिसत्ता को अभी भी स्वीकार कर रखा है। परंतु ये भी माना गया कि ऐसा सोचना सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रमंडल एक लचीला संगठन है। इसमें भारत की स्थिति वैधानिक रूप से जो इसके अन्य राष्ट्र हैं उनसे अलग है। यहाँ हम इस बात को स्पष्ट कर लेते हैं कि राष्ट्रमंडल है क्या। राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे, तो इसलिए ये माना गया कि भारत अन्य राष्ट्रों से अलग है। इस भय को दूर करने के लिए पंडित नेहरू ने 10 मई 1949 को संविधान सभा में ही कहा था, क्योंकि संविधान सभा में ही ये प्रश्न उठा था कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी और गणतंत्र भी दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। तो उस समय पंडित नेहरू ने इस बात को स्पष्ट करते हुए 10 मई 1949 को कहा था कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता की कोई प्रतिबद्धता नहीं है, राष्ट्रमंडल की शक्ति उसके लचीलेपन तथा सदस्यों की पूर्ण स्वतंत्रता में निहित है। तो इस तरह से पंडित नेहरू ने ये भय एक तरह से निर्मूल सिद्ध कर दिया था कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य होते हुए भी अपने गणतंत्र को उसी तरह से स्थापित रख सकते हैं और लोकतांत्रिक संप्रभुता को भी बनाए रख सकते हैं।